हमसे ये कहते हैं कि कटरावासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक है, आपकी यात्रा की वजह से कटरा में बिजनेस में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, और पिछले एक महीने से कटरा का कोई ऐसा शख्स नहीं है जो उमेश अग्रवाल को, आप विधायक वहाँ के हैं मगर आपको जनता कटरा को ही जानते हैं, इसके लिए कटरावासियों की तरफ से आपको सबसे पहले तो मुबारक। सबसे पहले तो मैं कटरावासियों का धन्यवाद करता हूँ, श्राइन बोर्ड का धन्यवाद करता हूँ, जम्मू कश्मीर प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ कि मैंने यात्रा प्रारंभ करने से पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन को भी निवेदन किया था, श्राइन बोर्ड को भी निवेदन किया था, उन्होंने यहाँ पर हमारी व्यवस्थाएँ भी सारी जितनी वो कर सकते थे हमारी बड़े अच्छे ढंग से की, और विशेष तौर से कटरा के सभी निवासियों का, व्यापारियों का, दुकानदारों का, कि उन्होंने हमारा यहाँ पर भरपूर सहयोग किया, और जितने भी तीर्थयात्री गुरुग्राम से यहाँ पर आए उन्होंने सभी का सहयोग किया, और आप सबके सहयोग के कारण से ही ये हमारी जो तीर्थ यात्रा थी ये एक अद्भुत और अविस्मरणीय यात्रा बनकर रह गई है। हमें एक चीज़ बताएं कि एक महीना जो यात्रा है इसमें अभी तक कितने यात्री हैं जो गुरुग्राम से लेकर वैष्णो देवी तक यात्रा के लिए आए हुए हैं, और किस प्रकार की उनकी सुविधाएँ थी और कितनी बसेस थी जो डेली अप डाउन होती थी? हमने यात्रा 31 मई से प्रारंभ की, 30 जून तक हमने यात्रा रखी हुई थी, हमारा समापन जत्था परसों 30 जून को गुरुग्राम से चला, और आज यहाँ से वापस वो लोग दर्शन करके जाएंगे। इस तरह से हमने एक महीने से अधिक के समय की ये यात्रा रखी, कुल मिलाकर के इसके अंदर 651 बसें हमने गुरुग्राम से रवाना की, उन 651 बसों में लगभग 30,000 से अधिक यात्री गुरुग्राम से यहाँ माँ वैष्णो के दरबार में आशीर्वाद लेने के लिए, मत्था टेकने के लिए यहाँ पर हमारे साथ आए, और हमें हर्ष है इस बात का कि हम इतने यात्रियों को बड़े अच्छे ढंग से गुरुग्राम से यहाँ पर ला पाए, और बड़ी सुविधापूर्वक बड़ी सुगमता से ये यात्रा यहाँ पर संपन्न हो रही है। अच्छा उम्मीद जी, एक बात बताइए, आपके दिल में इस तरह का विचार कैसे आया कि माँ वैष्णो जी के दरबार में श्रद्धालुओं को लेकर यहाँ पर आना है, और इसके बारे में विस्तार से थोड़ा सा बताइए। पिछले चुनाव से पहले भी हमारे बड़े भाई साहब राकेश अग्रवाल जी यहाँ पर मौजूद हैं, इनके नेतृत्व में हमने सुंदरकांड के पाठ गुरुग्राम में घर घर में 1100 से अधिक घरों में हमने सुंदरकांड के पाठ आयोजित किए, हम घर घर जाकर के हमारी टीम सुंदरकांड के पाठ करती थी। इस बार भी हमने कुंभ यात्रा के दौरान 180 बसों का काफिला लेकर के हम इलाहाबाद कुंभ के लिए गए, लगभग 8,000 यात्री एक साथ हम एक काफले के रूप में कुंभ स्नान के लिए गए, और जब हमने कुंभ स्नान किया तो वहीं पर कुछ माताओं बहनों ने, कुछ यात्रियों ने, साथियों ने इस बात का आग्रह किया कि हम सब लोग वैष्णो देवी यात्रा भी करना चाहते हैं, क्योंकि वैष्णो देवी यात्रा के अंदर पहाड़ की चढ़ाई है, कटरा में व्यवस्थाएँ सारी हमें आसानी से करना चाहते थे, किसी प्रकार की असुविधा ना हो, लेकिन इतने सारे लोगों की एक साथ एक दिन में व्यवस्था करना संभव नहीं था, तो इसलिए हमने ये निर्णय किया कि हम गर्मियों की छुट्टी में, जिसमें लोगों को सुविधा रहे, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां होती हैं, वो परिवार के सहित यात्रा कर सके, इसलिए हमने ये जून का महीना चुना और पूरे महीने ये यात्रा चलाई, और इस पूरे महीने की यात्रा के कारण इतनी संख्या में लोग, 30,000 से अधिक की संख्या में लोग यहाँ पर आ पाए। एक अनुमान के अनुसार मेरा अनुमान ये है कि लगभग 70% लोग इसमें ऐसे हैं कि जो पहली बार वैष्णो देवी यात्रा में आए हैं, और हमारा गुरुग्राम में जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तब भी ये निर्णय था कि जो लोग अभी तक वैष्णो देवी यात्रा में नहीं गए हैं उनको हम प्राथमिकता देंगे, उन सबको हमने प्राथमिकता दी और उन सबको हम यहाँ अवश्य लेकर के आए। उम्मीद की जा सकती है कि आपका जो प्रयास इस बार, जो पहली बार आपने जो स्टार्ट किया है श्रद्धालुओं को लेकर माँ वैष्णो के दर्शनों के को लेकर आना, तो भविष्य में भी ये प्रयास जारी रहेंगे? बिल्कुल, हमारा तो अपना प्रयास जारी रहेगा ही, लेकिन अन्य लोग भी मुझे लगता है कि पूरे हरियाणा में या पूरे उत्तरी भारत में इस बात की एक बयार चलेगी, इस बार की एक लहर चलेगी कि लोग धार्मिक यात्राओं पर लोगों को ले जाने का प्रयास करें। पहली बात, इस यात्रा के दौरान आपको श्राइन बोर्ड के अलावा स्थानीय जो प्रशासन है, चाहे वो यहाँ का जिला प्रशासन है, किस तरह का सहयोग आपको लगा, क्या उसमें लगा कि आपको कुछ कमी पेशी रह गई? हमने यात्रा प्रारंभ करने से एक महीना पहले ही
श्राइन बोर्ड का जो ये स्थान है, यात्री निवास और त्रिकुटा भवन है, टूरिज्म कॉरपोरेशन का या अन्य स्थान जो आसपास के थे, उन यात्रियों की संख्या के अनुरूप जितना हमारा अनुमान था, हम ये अनुमान लेकर के चले थे, हम एक दिन में लगभग 2,200 लोगों को लेकर के आएंगे और एक दिन छोड़ करके एक दिन वहाँ से यात्रा रवाना होगी, क्योंकि इतना समय उसमें लगेगा। तो उसके अनुरूप हमने सारी व्यवस्था की थी और जिला प्रशासन का, जम्मू कश्मीर सरकार का, राज्यपाल का रूल है, यहाँ पर गवर्नर रूल है, उनका भी, गवर्नर साहब को भी उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने भी सहयोग किया और श्राइन बोर्ड ने भी भरपूर सहयोग किया और यहाँ के लोगों ने भी, सभी का हमें भरपूर सहयोग मिला। उमेश जी, आप भाजपा से विधायक हैं और राम मंदिर का मुद्दा जो है वो काफ़ी देर से लटका हुआ है। जब भाजपा 2014 में फुल फ्लेज पार्टी बनकर उभरी थी तो उनका मुख्य उद्देश्य, कोर उद्देश्य था राम मंदिर का मुद्दा, मगर अभी तक वो लटका हुआ है। कब तक संभावना है कि राम मंदिर निर्माण शुरू हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी का राम मंदिर का मुद्दा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मुद्दा केंद्रीय नेतृत्व का विषय है, केंद्रीय नेतृत्व इस पर निर्णय करेगा, मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा हूँ, केवल एक विधायक हूँ, तो जैसा पार्टी हमें निर्देश देगी वैसा हम काम करेंगे, लेकिन जहाँ तक मेरा निजी मत है कि भारतीय जनता पार्टी शीघ्र ही इस मुद्दे को हल करेगी। माना जाता है कि जम्मू कश्मीर के हालात कुछ हद तक यात्रा सही ठीक नहीं है, ऐसे में आने वाले श्रद्धालुओं को आप क्या संदेश देंगे? भारतीय जनता पार्टी के दूसरी बार जब सरकार केंद्र में बनी है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं और माननीय अमित शाह जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और वो गृह मंत्री बने हैं, उसके बाद तो मैं गुरुग्राम की बात करूं, हरियाणा की बात करूं या सभी लोगों की, सब लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है कि अब भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार सरकार बनने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात एकदम बढ़िया होंगे और जम्मू कश्मीर देश का सबसे अच्छा स्थान टूरिज़्म के नाते से बनेगा। यहाँ पर जो पिछले अनेक वर्षों से कुछ असामाजिक तत्वों ने, आतंकवादियों ने या गलत संगठनों ने जो इस प्रदेश को बदनाम किया है, अब वो बदनामी का कलंक मिटेगा और जम्मू कश्मीर के लोग मुख्य धारा में शामिल होंगे और ये टूरिज्म के नाते से देश का नंबर एक प्रदेश बनेगा।